तो आप सभी जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उसके लिए रूल्स बनाती है। बट अभी रिसेंटली जो सेबी की चीफ मदावी पुरीबोच हैं और उनका अडानी के ऑफशोर फंड से कनेक्शन, ये दिखा रहा है कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए तो सेबी है, बट सेबी को कौन रेगुलेट करेगा अगर ये ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसे एक छोटे एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज सेबी क्रिकेट मैच के एक एम्पायर की तरह है जो कि रूल्स बनाता है और ये मेक श्योर करता है कि फेयर प्ले हो गेम में, और जब भी कोई चीट करने का प्रयास करता है तो उस पर एक्शन ले। सेम विद स्टॉक मार्केट, सेबी का काम है फाइनेंशियल मार्केट को स्मूथली रन कराना और उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। बट क्या हो अगर क्रिकेट मैच में एम्पायर ही किसी का फेवर करने लगे और क्रूशियल डिसीजन न ले पाए तो क्रिकेट मैच में जैसा केओस मचेगा वैसे स्टॉक मार्केट में भी केओस मचता है। और इसी को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि सेबी के ऊपर कौन नजर रखेगा। और आप सभी जानते हैं कि सेबी पूरी तरीके से कामयाब नहीं रहा है, कई सारी मिस्टेक्स हमें पास्ट में देखने को मिल रही हैं, लाइक सत्यम स्कैंडल जो कि फाइनेंशियल मार्केट में काफी बड़ा ब्लंडर था। सत्यम कंप्यूटर्स ने ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन डॉलर्स का स्कैम किया था और सेबी उसे पकड़ ही नहीं पाया। जब उसने कैच किया तो काफी देर हो चुकी थी। और रिसेंटली सेबी की चीफ मदावी पुरीबोच काफी ज्यादा स्पॉटलाइट में आई है एफएनओ ट्रेडिंग के रूल्स को लेकर, और इससे भी ज्यादा भी रिसेंटली हिंडनबर्ग रिसर्च ने उनके ऊपर कई सारे सीरियस एलिगेशन लगाए हैं कि उनका सीक्रेट फाइनेंशियल इंटरेस्ट रहा है अडानी ग्रुप में। मेरिटस बेस्ड ऑफशोर फंड्स में सेबी की चीफ मदावी पुरीबोच का फाइनेंशियल इंटरेस्ट रहा है, और इसी के चलते सवाल उठ रहे हैं कि क्या सेबी को भी रेगुलेट करने के लिए कोई होना चाहिए। और इसी को लेकर डेरो आर्टिकल पब्लिश हुई है रेगुलेटिंग द रेगुलेटर, और इसीलिए इफेक्टिव वे है टू रेगुलेट रेगुलेटर्स एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी बनाना। लाइक यूएस मार्केट में गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ऑडिट करता है फेडरल एजेंसीज को इंक्लूडिंग SEC जो कि यूएस का स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, उसको भी चेक करता है। सेम विद इंडिया में भी कोई ऐसा रेगुलेटर होना चाहिए जो कि सेबी को चेक कर सके, उसके डिसीजंस को, उसके बोर्ड मेंबर्स को चेक कर सके कि उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या क्या चल रहा है उनके अगेंस्ट। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। अगर सेबी के कोई एम्प्लॉई या मार्केट पार्टिसिपेंट कोई मिसकंडक्ट नोटिस करता है अगेंस्ट सेबी तो वो बिना डरे रिपोर्ट कर सके। तो विसल ब्लोअर प्रोग्राम भी काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है टू रेगुलेटिंग द रेगुलेटर। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल रिव्यू। जो भी मार्केट रेगुलेटर एक्शन लेता है उसको पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि इससे एक ट्रस्ट बिल्ड हो पब्लिक में कि जिस रेगुलेटर पर वो भरोसा कर रहे हैं वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और अगर रेगुलेटर लाइक सेबी कोई एक्शन लेने में फेल होता है, कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसको भी चैलेंज किया जा सके कोर्ट में। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि सेबी को भी रेगुलेट कर सके, उनके एक्शंस को चेक कर सके, उन पर नजर रखे, तभी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स है उनका सेबी के प्रति भरोसा बढ़ेगा। वरना जो सेबी के चीफ हैं ये ऐसा काम करेंगे तो फिर जो मार्केट के अदर पार्टिसिपेंट्स हैं, ब्रोकर्स, इंटरमीडियरीज, वो क्या करेंगी। तो इस पर आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ऐसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बननी चाहिए जो कि सेबी के ऊपर नजर रखे। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और नए तड़कते भड़कते धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।